इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जो है माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि गैंगस्टर के तहत दर्ज केस को एससी में चुनौती, बिना डीएम के अनुमोदन के गैंग चार्ज तैयार करने का मामला। मुख्तार ने केस के ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की। कोर्ट के निर्देश पर सरकार का जवाब दाखिल। 15 नवम्बर को मामले में होगी अगली सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगस्टर के तहत दर्ज केस में एससी में चुनौती, बिना डीएम के अनुमोदन के गैंग चार्ट तैयार करने का मामला। मुख्तार ने केस के ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की। कोर्ट के निर्देश पर सरकार का जवाब दाखिल। 15 दिसंबर को मामले में होगी अगली सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर। गैंगस्टर के तहत इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सीनियर करेस्पॉन्डेंट शशांक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शशांक, माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर के तहत दर्ज केस को एससी में चुनौती दी गई है, क्या कुछ जानकारी है? लाइन पर बने। कुछ तकनीकी समस्या के कारण हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दे, माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर। गैंगस्टर के तहत दर्ज केस को एचसी में चुनौती, बिना डीएम के अनुमोदन के गैंग चार्ट तैयार करने का मामला। बड़ी खबर आपको बता दे, मुख्तार अंसारी से जुड़ी